तो बेसिकली आज की जो हमारी ये क्लास है, ये क्लास यूजीसी नेट पर आधारित है और मैं आज आप लोगों से जो बातचीत करने वाला हूँ, ये यूनिट नंबर 3 से आप लोगों से प्रश्न करूँगा और आप सभी लोग अपने मन से प्रश्नों के उत्तर देंगे, ठीक है, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। और हर एक प्रश्न के पीछे एक तथ्य बताता हूँ, एक फैक्ट भी बताऊंगा, आईएमपी भी बताऊंगा, तो उसे आप जरूर अपने कॉपी पर आप नोट करेंगे। परीक्षा के 10 दिन पहले आप वही नोट्स को आप लोग जरूर देखेंगे, ठीक है। और व्यक्तिगत समाज कार्य, समूह समाज कार्य से प्रश्न होंगे आपके आज के क्लास में। और इसके बाद मैं आपकी जो पीडीएफ है इसके नीचे आंसर नहीं मिलेगा, मैं उसको करेक्ट करके आप लोगों को उसके जो है आंसर भी इस पीडीएफ को सेव करके आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए प्रश्न तो बेसिकली मैंने एक बार आप लोगों को करवाया भी था, आज थोड़ा सा मैं वहीं शुरुआत से करूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग जो है सही तरीके से करें। देखिए ये प्रीवियस ईयर, देखिए यूजीसी नेट में प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है परीक्षा में। और आपको बता दूं कि उत्तराखंड के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, साथ ही साथ जो बच्चे ESIC का, जिन बच्चों ने फॉर्म भरा होगा दिल्ली के लिए, 16 सीटों पर वैकेंसी है ये और गोल्डन चांस है। अब मैं कहूंगा कि अप्लाई भी करें आप सभी लोग, इजी क्वेश्चंस आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि रिटेन है, सीबीटी नहीं है, आप क्वेश्चन पढ़िए और उसका जो है जवाब दे सकते हैं इजीली तरीके से, है ना। तो ध्यान से सुनिएगा, पहला प्रश्न यहाँ का आज का है ये, और ये बेसिकली विगत वर्ष जुलाई 2018 का प्रश्न था कि निम्न में कौन सामाजिक समूह कार्य का एक मॉडल नहीं है, मॉडल नहीं है, बताइए जवाब। ऑप्शन सी, पूजा त्रिपाठी, कादिर सफीना, ओके, बी। देखिए यहाँ पर सभी बच्चों ने अपने अपने जो है विचार को प्रकट किया है, किसी ने ऑप्शन ए, किसी ने बी, किसी ने सी, किसी ने डी को भी चुनाव किया, लेकिन इसका जो सही जवाब होगा ना, सामाजिक समूह कार्य का मॉडल नहीं है, फंक्शनल मॉडल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सी आपका करेक्ट है। यहाँ पर रेसिप्रोकल मॉडल हम कहते हैं पारस्परिक क्रिया का मॉडल, में मैंने शायद वीडियो में आप लोगों को बता दिया था ऑप्शन नंबर डी, है ना, मैंने आज एक वीडियो बनाया था उसमें डी लगा दिया था। बेसिकली यहाँ पे डी नहीं होगा, डी क्योंकि दिया है रेसिप्रोकल और उपचारात्मक और सामाजिक का नाम अगर हम बात करते हैं तो ये कहीं विद्वान का नाम 1966 में, 1966 में रोथमैन और साथ में कौन था, पापेल, रोथमैन एंड पापेल ने ये जो है दिया था, है ना, सही जवाब, हाँ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए एक और सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने यहाँ पर सेकंड है, निम्नलिखित में से क्या सामाजिक समूह कार्य का सिद्धांत है, जी इसका आंसर बता दीजिए एक बार। ऑप्शन नंबर इसका तो भाई फर्स्ट का सी, सी कहाँ हो अभी, हाँ यहाँ पे ध्यान दो, अटेंशन दो, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, एग्जाम नजदीक है, अब आप लोग जो भी क्लास करें बहुत ही अच्छे से करें। सेकंड कहता है कि निम्नलिखित में से क्या समूह कार्य के सिद्धांत हैं, आपके सिद्धांत पूछे गए हैं, आप लोग मुझे बताइए, क्या योजनाबद्ध होगा, यस, क्यों बताइए, होगा और सतत व्यक्तिकरण का सिद्धांत भी होगा, संसाधन उपयोगिता का भी सिद्धांत होगा, मूल्यांकन का भी सिद्धांत होगा, सभी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर आपका डी यहां पर करेक्ट मान लिया जाएगा, हाँ चारों के चारों आपके करेक्ट मान लिए जाएंगे, बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है। चलिए एक सवाल और देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं किया गया है, क्वेश्चन नंबर यहां पे देखिए थर्ड है, ये भी जुलाई 2018 का ही सवाल है। समूह के देखिए यहां बेसिकली अगर हम बात करें तो तीन चार बातें हैं, जैसे एक है मानदंड है, दूसरा है आपका संयोजन क्षमता है, तीसरा है संशक्ति है, चौथा है सर्वसम्मति है, है ना। तो आप एक बार जरा जवाब बताइए फिर मैं आप लोगों से बातचीत करता हूँ। ओके चलिए आप लोगों ने जवाब भी दे रहे हैं सभी लोग कि संशक्ति को आप सभी लोगों ने जवाब दिया है, संशक्ति को आप सभी लोगों ने जवाब दिया है और बेसिकली यही एक प्रकार से अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन नंबर सी,
एक दूसरे को प्रभावित करने के समूह के सदस्यों को क्षमता को बेसिकली संशक्ति नहीं कहते हैं। संशक्ति का जो रिलेट होता है, जो प्रक्रियाएं जो रिलेट होती है, वो मिलाप का होता है। उसको आप चाहो तो आप एक जगह साइड में लिख सकते हैं, संशक्ति को बेसिकली पेपर में आता है, संबंध को बात करता है, ये लगाव की बात करता है, ये मिलाव की बात करता है, साथ ही साथ संशक्त होने का भाव जब आए तो उसकी रिलेट। तो ये दूसरों को प्रभावित करने को, अगर मैं आपसे सवाल सिंपल सी बात करता हूँ, बताइएगा आप सभी लोग, ठीक है, एक दूसरे को प्रभावित करने की समूह के सदस्य की क्षमता को क्या कहते हैं? सिंपल सवाल। समूह प्रक्रम बोलते हैं उसको, है ना। एक व्यक्ति किसी समूह की राय और मूल्यों के अनुरूप हो सकता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? समूह का प्रक्रम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, बेसिकली समर्थन भी व्यक्त कर सकता है ये, आप समर्थन भी कह सकते हो। आप इसके मानदंडों की जब बात करें आलोचना में, तब आप ये चीज कह सकते हो। समूह के सदस्य व्यवहार को प्रशासित करने से संबंधित जो नियम होंगे वो मानदंड होंगे। तो पहला सही यहां पर था, दूसरा भी सही था, डी वाला भी सही था, परंतु ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका करेक्ट होगा, ये गलत लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 जनवरी 2017 का है। समानता समूह कार्य में कार्यक्रम के चयन का उत्तरदायी डैश का होता है। बड़ा अच्छा सवाल है, जरा जवाब बताइए। बिल्कुल ऑप्शन ए, समूह के सदस्यों का, बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। देखिए, समूह के सदस्यों को ही एक व्यक्ति है, आप सबको भलीभांति तरीके से पता भी होगा मुझे जहां तक उम्मीद है, किसने कहा था कि केंद्र बिंदु के रूप में जो समूह है उन समूहों के अन्य सदस्यों में संबंध रखेगा, और वो बेसिकली जो संबंध होगा वो केंद्र में होगा और वो सेवार्थी के रूप में होगा। नाम क्या था वो? ट्रेकर। क्या? ट्रेकर, हाँ। वहां जो जवाब जाता है आपका ट्रेकर ही ऑप्शन में आपका करेक्ट माना जाएगा, है ना। ऑप्शन में आपका ट्रेकर ही करेक्ट माना जाता है, व्यक्ति को बेसिकली इसने माना था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करेंगे, और अगला सवाल, निम्न में से सामाजिक समूह कार्य के मॉडल सामाजिक लक्ष्य उपचारी अननोन, अननोन का मतलब पारस्परिक होता है, सबसे अधिक संबंधित है। ये प्रश्न आईएमपी है, इसको आप नोट करिएगा, आईएमपी है, इसको नोट करिएगा। हाँ, यहां पे भी पेपेल एंड इसी को कहीं कहीं पापेल लिखा होता है तो कहीं पेपेल लिखा होता है। रॉथमैन, अभी अभी ये सवाल भी किया था आपने, 1966 इज द राइट आंसर, यहां पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 6 जुलाई 2016 में प्रश्न आया कि कहा कि वह समूह जो सामाजिक समूह का कार्य में है। बड़ा अच्छा सवाल है भाई, जरा जवाब आप लोग मुझे बताएं कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए। ओके, आप यहाँ पे बिल्कुल देखिए, ये व्यवस्थित रूप से गठित होगा, बिल्कुल आपने सही सोचा। इसमें विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, बिल्कुल आपने सही सोचा। व्यक्ति पर बल दिया जाता है, सही सोचा। ये सामाजिक समूह कार्य का ही पार्ट होता है ना, स्वाभाविक। विशेष अगर मैं कहूँ ना, अपने आप सहज प्रक्रिया है, तो कोई चीज स्वाभाविक। देखिए आप सोचिए, मैंने कहा समूह अपने आप बन जाए, कोई ऐसा थोड़े। अब आप सोचिए कि अगर आप बस स्टैंड पर खड़े हैं और वहां पे कुछ लोग आ गए, तो ये थोड़ी ना समूह है जो बस स्टैंड पे लोग आ गए हैं, ये समूह नहीं है। तो अगर ये जो बस स्टैंड पे लोग आए हैं ना, ये स्वाभाविक है, यही प्रक्रिया स्वाभाविक को दर्शाती है। तो यही कह रहा है, ये गलत है। समूह तो किसी उद्देश्य से बनाए जाते हैं, और सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका 1, 2, 3 है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, पक्ष समर्थन आवश्यक रूप से समाज कार्य की निम्नलिखित में से किस विधि का भाग नहीं हो सकता है। बड़ा अच्छा सवाल है, और दो ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, यहां जो आपने जवाब अभी आपने सोचा है, बड़ा अच्छा जवाब सोचा है। पक्ष समर्थन की प्रक्रिया में समाज कार्य शोध नहीं होता। बेसिकली अगर इस तरीके का होगा तो आपका रिसर्च और थीसिस गलत हो जाएगा, और ये आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी, सही जवाब। एक अच्छा सा सवाल, कम्युनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस एक पुस्तक है,
और ये किताब का नाम आपको बताना है किस विद्वान का है। ऑथर डनहम की तरफ आप सभी लोगों ने यहाँ पर झुकाव किया है, और मैं आप लोगों से ये बताना चाहूंगा कि ऑप्शन भी आपका करेक्ट होगा, ऑथर डनहम ही, एम एस गोरे नहीं होंगे मैं, हाँ ऑथर डनहम का ही जवाब आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। अब अगर मैं आपसे बात करूं, सॉरी ए नहीं, डी 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 सॉरी डी, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, अब बात आती है कि ये किताब आई कब थी, ठीक है, कब इस किताब को लाया गया था ऑथर डनहम के द्वारा, है ना। तो ऑथर डनहम के द्वारा ये पब्लिश हुई थी बेसिकली 1969 में ये किताब जो है ऑथर डनहम ने पब्लिश किया, और इसी किताब में बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो कुल टोटल 28 प्रिंसिपल्स मिलते हैं, जिनमें से 7 ऐसे सिद्धांत रखे गए जो शीर्ष के रूप में आए। अच्छा, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, पब्लिशन होता है कई, जैसे अगर हम बात करें 1958 में भी हमें देखने को मिल जाएगा प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस करके ऑथर डनहम की ही एक किताब आई, ठीक है, जो बेसिकली कम्युनिटी वेलफेयर और ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित थी, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस करके, ठीक है, तो वो आई 1958 में, ठीक है, वो भी किताब बेसिकली हमें देखने को मिली 1958, तो पब्लिशर है। तो अगर आपसे परीक्षा में सवाल आए तो मैं आप लोगों से कहता हूं 1958 ऑप्शन में आप आईएमपी के रूप में नोट करके उसे रख लीजिए अपने कॉपी में, बाद में आप 1969 आप लगा सकते हैं जब 58 ना हो तो ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा डी 1958। जी नाइनटीन में अगर आपका जब ये ना होगा तब ये ऑप्शन लगाइएगा, क्योंकि ये दूसरा पब्लिशर है, संस्करण होता है ना, एक संस्करण होता है, तो अगर ऑप्शन में बेसिकली यही पूछा ही जाता है, संस्करण होते हैं, तो अगर ये नहीं है 1969 तो आप 58 लगाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए एक बार, सामूहिक सामाजिक संबंधों का जाल है, ये बात किस विद्वान ने कहा है, तुम मैं कहा करते हैं, तो क्या ये बात सत्य है? बिल्कुल सत्य है, सदस्यों के स्वनिर्देशित लक्ष्य होते हैं, क्या ये भी बात सत्य है? ये भी बात आप कह रहे हो सत्य है, चलो ठीक है, जब दोनों सत्य हैं तो इसकी क्या मतलब व्याख्या हो रही है? नहीं सर, ये अलग है, वो अलग है, वो बिल्कुल, यहाँ हाँ यहाँ कहा, बिल्कुल यहाँ इसने बोला कि समूह जो होता है सामाजिक संबंधों का जाल होता है, और दूसरे में कहा सदस्यों के स्वनिर्देशित लक्ष्य होते हैं, और ये बात अलग अलग है, ठीक है, ये बात अलग अलग है। स्वनिर्देशित का भाव क्या रिप्रेजेंट करता है? स्वनिर्देशित लक्ष्य मतलब आप यहाँ पे कहना चाहते हैं कि स्वनिर्देशित एक प्रकार से स्वयं का लक्ष्य भी आप कह सकते हो, स्व का मतलब स्वयं होता है ना, तो स्वनिर्देशित या स्वयं के द्वारा जो डायरेक्शन आपने किया है, जो आपने सही मार्गदर्शन से आपने समाज की मुख्य धारा से जुड़े हैं, वह प्रक्रिया सदस्यों का स्वनिर्देशित लक्ष्य की तरफ होता है, और ये समूह में होता है, ये बात आपकी करेक्ट है। स्पष्टीकरण नहीं होगा, ए आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। अगला सवाल, जून 2015 का सवाल था, सवाल देखिए, जब समूह कार्यकर्ता समूह प्रक्रिया को इस प्रकार आगे बढ़ाता है कि वह समूह को अपने निर्णय लेने हेतु योग्य बनाती है, तो यह निम्नलिखित में से सिद्धांत किसके अनुसार आना चाहिए? लोचशीलता समूह का, समूह एवं अनिर्धारण का, और समूह प्रक्रिया अशोधन का, निरंतर मूल्यांकन का, सही जवाब बताइएगा। समूह एवं अनिर्धारण का सिद्धांत आपने जो यहाँ पे जिक्र किया है ये करेक्ट जवाब है आपका। बेसिकली क्या होता है कि सदस्यों और उनके आवश्यक भागीदारों के बीच में अंतःक्रिया की नेचर के द्वारा होता है ये। तो बेसिकली यहाँ सवाल भी कहा कि समूह कार्यकर्ता समूह प्रक्रिया को इस प्रकार आगे बढ़ाएगा कि वह समूह के अपने निर्णय लेने के योग्य बना दे, और अपना निर्णय बेसिकली अनिर्णायक, जिसको हम बोलते हैं आत्मनिर्णय का सिद्धांत, और ऑप्शन नंबर आपका सी ही करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। समूह विकास का बियोन एक विद्वान है, आप लोगों को नाम पता भी होना चाहिए बियोन के बारे में, बहुत ही फेमस पर्सन, ये एक प्रकार से ग्रुप वर्क में रिप्रेजेंट करते हैं पर्सन, और इन्होंने कुछ चरण बताए हैं, कुछ स्टेप बताए हैं, मैं चाहूंगा कि आप लोग इसे याद रखें। देखिए इनके चरणों के बारे में
एक बार स्पष्टीकरण कर दीजिए। निष्पादन का नहीं रहेगा इसमें, निर्भरता स्वतंत्रता आत्मनिर्भरता का रहेगा। ओके, जहां बेसिकली अगर हम लोग बात करते हैं तो आपका जो सही जवाब जाना चाहिए वो निर्भरता होगा, स्वतंत्रता होगा, आत्मनिर्भरता होगा, अंतः निर्भरता भी कहेंगे इसे, और ये निष्पादन आपका गलत हो जाएगा। एक दो चार ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, एक दो चार कहाँ पे है, एक दो चार ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। समूह के सदस्य द्वंद कम करने में, समूह का सदस्य है ग्रुप, ध्यान सुनिएगा एक एक प्रश्न को, समूह का सदस्य है और द्वंद को कम करने के लिए इस तरह की सहायता कर सकता है, बताइए किस तरीके की सहायता कर सकता है। सर उनकी आपसी संस्कृतियों के प्रति हम एक दूसरे का आदर भाव रखेंगे तो द्वंद नहीं होगा उसमें। अच्छा जी, चलो ठीक है, और भी कोई बताना चाहेगा मुझे? ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ओके, क्या आप जानते हैं मैं तक के एक शब्द यहाँ पर रिलेट हुआ है, मैं तक के एक शब्द रिलेट हुआ है, क्या इसका भाव आप लोगों को पता है? मित्रता। ओके, मित्रता की आप बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां अगर हम बात करते हैं तो मैतक्य का अर्थ होता है समानता मैडम, क्या होता है? समानता, मित्रता नहीं होता। हाँ, इसका मतलब होता है मत का एकता, मत में एकता हो, ठीक है। तो जब बात समूह की हो तो जाहिर सी बात है मत में एकता की बात होगी, तो दूसरे के विचारों और संस्कृतियों के प्रति जब आप आदर प्रकट करेंगे तो मैतक की ओर बढ़ेंगे, समानता की ओर बढ़ेंगे, एक विचार की तरफ यानी आप बढ़ रहे हैं, तो ऐसी प्रक्रिया में द्वंद कम होता है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। और देखो सांस्कृतिक एकता मैतक की दिशा में बढ़कर काम करना, तो सांस्कृतिक एकता, ठीक है, सांस्कृतिक एकता, ठीक है। और फिर कहता है इसके विचार में सावधान रहना कि समूह की संरचना के स्तर पर समूह किस दौर से गुजर रहा है, ये भी गलत है। समूह दूसरे सदस्यों के साथ सहमति प्रकट करे और समूह में एकता को स्थापित करे, ये भी गलत है। ऑप्शन केवल और केवल डी आपका सही होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13, समूह के सदस्यों की परस्पर क्रिया से उत्पन्न बलों को बहुधा कहा जाता है, बताइए क्या कहोगे आप अगर समूह के सदस्य में परस्पर क्रिया हो रही, रेसिप्रोकल एक्शन हो रहा है तो? बहुत बढ़िया बता आपने, ये परिभाषा ही है इसको, हाँ इसको नोट कर लीजिए, कर्ट लेविन का है, नोट करिएगा कॉपी पर, कर्ट लेविन ने समूह गति के बारे में बात किया और ऑप्शन नंबर डी है, ये परिभाषा है, समझो आईएमपी के रूप में रखिएगा सवाल, परिभाषा है। सामुदायिक भावना से क्या समाविष्ट नहीं होता है? देखो एक तो मैंने आपको बताया था तत्व वगैरह के बारे में, आश्रित हो सकता है हम की भावना और भूमिका की भावना, अस्थायित्व तो बेसिकली नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तो विगत वर्षों के प्रश्न थे, लेकिन अब आप जो प्रश्न देख रहे हैं ये आगामी में हो सकता है आप लोगों से प्रश्न बनाया जाए। ट्रेकर ने समस्त समाज कार्यकर्ता का केंद्र बिंदु माना, निम्न में से किसको माना? उसने कहा जो समूह और जो समूहों और समूह के अन्य सदस्यों से संबंध रखता हो तो वो बेसिकली व्यक्ति है, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा, है ना। आगे हम बात करते हैं सामाजिक समूह सेवा कार्य एक प्रक्रिया और प्रणाली है, देखिए ये परिभाषा है ध्यान से सुनिएगा, एक प्रक्रिया और प्रणाली है जिसके द्वारा सामूहिक जीवन एक कार्यकर्ता द्वारा प्रभावित होता है या कथन किस विद्वान द्वारा अव्यक्त किया जा सकता है? ट्रेकर, हेमेंटल, कोनोफ्का, विल्सन एवं राइलैंड, सही जवाब बताना है आपको, विल्सन और राइलैंड की तरफ आप लोगों ने झुकाव किया है और यही आपका करेक्ट जवाब है, यही आपका करेक्ट जवाब है। सन 1949 में यह परिभाषा बेसिकली हमें देखने को मिली थी, वहीं 1949 में एक परिभाषा गार्टन हैमिल्टन ने भी मेंशन किया और उसने कहा कि सामाजिक समूह कार्य एक मनोसामाजिक प्रक्रिया है। इसने क्या बोला था? मनोसामाजिक प्रक्रिया, ध्यान रखिएगा यही सारी चीज समझना है आपको, ये मनोसामाजिक प्रक्रिया यही कीवर्ड है। जब प्रक्रिया और प्रणाली की बात हो तो आपको नाम लगा सकते हैं विल्सन और राइलैंड का नाम, लेकिन जब मैं बात करता हूं गेसल कोनोफ्का के बारे में, अच्छा इसने जब मनोसामाजिक प्रक्रिया बताया था तो नेतृत्व की योग्यता को लेकर बताया था, किसको? नेतृत्व की योग्यता को लेकर, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करते हैं कोनोफ्का के बारे में तो इसने कहा कि सामाजिक समूह कार्य जो होता है कार्यकर्ता की एक प्रणाली मानी गई, और ये देखो कोनोफ्का महोदय क्या कहते हैं, ये कार्यकर्ता की प्रणाली है, बात को समझिए। यहां अगर हम बात करते हैं हैमिल्टन की तो मनोसामाजिक प्रणाली है, विल्सन राइलैंड की बात करते हैं तो प्रक्रिया और प्रणाली है ये,
ग्रुप वर्क, लेकिन कोनोफका कहता है ये कार्यकर्ता की प्रणाली है, ये कार्यकर्ता की प्रणाली है। और ध्यान सुनिए, व्यक्तियों की सामाजिक कार्यात्मकता की ओर बढ़ाता है, कार्यात्मकता की तरफ अगर व्यक्ति को बढ़ा रहा है तो सीधा सा कीवर्ड बनाइए और लगा दीजिए गेसल कोनोफका का, एचबी ट्रेकर। एचबी ट्रेकर महोदय कहते हैं कि यह जो समूह कार्य है विशेष प्रणाली है। क्या है ये? विशेष प्रणाली है, और विशेष प्रणाली जिसके द्वारा व्यक्तियों को सामाजिक संस्थाओं के अंतर्गत समूह में एक कार्यकर्ता द्वारा सहायता की जाती है। ठीक है, तो ये ट्रेकर महोदय हैं, तो सबके बारे में आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ध्यान से कीवर्ड को ध्यान रखिएगा। देखिए ये भी परिभाषा आ गया कि सामाजिक समूह कार्य एक मनोसामाजिक प्रक्रिया है, बताई जाए जो 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 नेतृत्व की ओर योग्यता और सहकारिता का विकास कर रहा है। बताइए कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, जवाब बताइए। बिल्कुल, गार्टन हैमिल्टन ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अभी मैंने ऊपर वाले सवाल में बताया था। अगला सवाल, सामाजिक कार्य के अंतर्गत व्यक्तियों की सहायता की जाती है। बड़ी अच्छी बात है भाई, बताओ किस तरीके से करोगे और किसके द्वारा की जाती है? बिल्कुल, ग्रुप वर्क जो होता है व्यक्तियों की जो सहायता की जाती है, संस्थानों के द्वारा भी की जाती है, कार्यकर्ता के द्वारा भी की जाती है, इसलिए आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। बहुत ही सरल सवाल था, लेकिन आप ध्यान रखिएगा मेडिकल सोशल वर्क के स्टूडेंट। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पांच, बात है सामूहिक कार्यप्रणाली की मूल विशेषताओं में शामिल उच्च तत्व कौन सा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर पांच का सही जवाब अगर हम बात करें फिफ्थ का, तो क्या होना चाहिए कि समूह कार्यप्रणाली के मूल विशेषता क्या है? डी, ओके ओके, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। गुड गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आपका जवाब आ रहा है भाई। बुनियादी समस्याओं का समाधान करना, सामाजिक स्तर पर सामंजस्य को स्थापित करना, लोकतांत्रिक प्रणाली पर आधारित कार्य विधि का पालन करना, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी सही। क्वेश्चन नंबर सिक्स, सामूहिक समाज कार्य में सामाजिक संरचना होती, मतलब सोशल स्ट्रक्चर होता है भाई, और उस सोशल स्ट्रक्चर में किसकी स्थिति निर्धारित होती है? बताइए, सेवार्थी कार्यकर्ता व्यक्ति या सेवार्थी कार्यकर्ता दोनों के? केवल और केवल जो समूह कार्य है वो सामाजिक संरचना में जो स्थिति निर्धारित होती है केवल और केवल व्यक्तियों की होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सात, सामूहिक समाज कार्य के संदर्भ में दिए गए विशेषताओं में कौन सा एक विशेषता को नहीं दर्शाता? जी कौन सा, क्वेश्चन समझा दो क्वेश्चन। ठीक है, सामाजिक संरचना की स्थिति में आपको समझाता हूं, इस चीज को आप ध्यान से समझिए। सोशल स्ट्रक्चर इसको कहा जाता है मैडम, सोशल स्ट्रक्चर का एक ही अर्थ होता है, उस चीज को आप चाहो तो यहां पर नोट भी कर सकते हो। ठीक है, सामाजिक संरचना में व्यक्ति का एक व्यवस्थित रूप है। ठीक है, जिसमें उनके सामाजिक संबंध किसी खास संस्थात्मक मूल्यों से नियंत्रित होते हैं। सामाजिक संरचना का पार्ट होता है, अगर हम परिवार की बनावट की बात करें तो उस परिवार में रहने वाले लोगों की बात करेंगे, जो लोग उस परिवार के कुछ संबंधों से जुड़े होते हैं तो उस परिवार के सदस्य की एक खास भूमिका अदा करना पड़ता है, तो उस प्रक्रिया में सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। तो जो क्वेश्चन नंबर सिक्स आपके सामने प्रस्तुत हुआ है वो आपसे क्या कहता है, कहता है आपसे, क्वेश्चन कहां चला गया, हाँ क्वेश्चन आपसे कहता है कि सामूहिक समाज कार्य में सामाजिक संरचना किसकी स्थिति निर्धारित कर रही है? बताइए, जब परिवार की बात मैं कर रहा हूं यहां पर, तो व्यक्ति सेवार्थी को तो होगा नहीं, कार्यकर्ता का तो होगा नहीं, सेवार्थी कार्यकर्ता दोनों का नहीं होगा। और फिर से एक बार पीपीटी देखिए कि व्यक्ति एक व्यवस्थित रूप से उसके जिसमें सामाजिक संबंध किसी खास संस्थात्मक मूल्यों से नियंत्रित हो रहा है, तो वो बेसिकली पार्ट आपका सामाजिक संरचना की तरफ अग्रसर हो रहा है। अगर हम परिवार के बनावट की बात करेंगे तो उस परिवार में रहने वाले लोगों की बात जो करते हैं, उन लोग परिवार से कुछ संबंध से जुड़े होते हैं, उसी परिवार के सदस्य की जो खास भूमिका अदा होती है वो बेसिकली व्यक्ति के रूप में भी हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। परिवार हो व्यक्ति हो, वो केस वर्क की भूमिका है ना कि ग्रुप वर्क की भूमिका, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा एक एडिशनल के रूप में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका सी होगा।
व्यक्ति की होती है, कोई भी संरचना। अब भाई व्यक्तियों से ही तो समूह बनता है, संरचनाएं बनती हैं, है ना, है कि नहीं, सिंपल सी बात है। पूछिए कैसे, कहाँ पे केस वर्क आएगा, सवाल बताओ कुछ, केस वर्क कैसे बने। केस वर्क में व्यक्ति ही सेवार्थी के रूप में आता है, व्यक्ति जो होगा वो सेवार्थी के रूप में आएगा केस वर्क में, और या तो परिवार आएगा। तो दोनों केस वर्क में परिपेक्ष में बात करें तो ये दोनों आपके करेक्ट होंगे, ठीक है, परिवार या तो सेवार्थी आएगा। तो यहां अगर कम्युनिटी में क्या होता है, व्यक्ति तब आएगा जब हम पर्टिकुलर बात करेंगे, नहीं तो पूरी कम्युनिटी में बात करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। और ग्रुप वर्क में क्या होता है कि ट्रेकर ने एक बात कही है कि ग्रुप के जो सदस्य हैं उन सदस्यों को व्यक्ति के रूप में रिप्रेजेंट किया, बाकी हैमिल्टन वगैरह नहीं किए हैं ये सब बातें, केवल ट्रेकर ने कहा है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि व्यक्ति हुआ या सेवार्थी हुआ तो भाई चलो ग्रुप वर्क में लगा दिया, ट्रेकर ने बोला था, नाम ट्रेकर लिखा हुआ तब बोलिएगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा, नहीं तो प्रश्न ये, ठीक है। ग्रुप में ग्रुप होगा, कम्युनिटी में कम्युनिटी होगा, केस वर्क में सेवार्थी और परिवार के रूप में, मैंने एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ ऐसे, है ना, प्रश्न का पैटर्न कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखिए, ठीक है इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 7, ने सामूहिक समाज कार्य में उसके संदर्भ में यानी पॉइंट ऑफ व्यू में विशेषताओं में से एक विशेषता नहीं दर्शाया गया, बताइए। अभी देखिए ग्रुप वर्क की है विशेषता और वो कौन सी नहीं है, देखिए, हाँ आपको बता दूं, देखो समूह में सामान्य स्वार्थों की भावना होती है, ये बात सत्य है, आप भी ग्रुप में रहिए अपने आप को सोचिए, स्वार्थ की भावना होगी। समूह विशेष की सदस्यता ऐच्छिक होती है, ये भी करेक्ट होगा। कार्यात्मक विभाजन भी होता है, ये भी करेक्ट होगा। समूह कार्य में सदस्यता ऐच्छिक नहीं होती है, ये गलत लिख दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, सामूहिक कार्यकर्ता समूह में व्यक्तियों को एकत्रित करता है, बिल्कुल बात सही है, कार्यकर्ता ऐसा काम करता है भागीदारी के रूप में निभाता है, उनके डैश की समस्या का समाधान करेगा कैसे, भागीकरण करके, एकाकीपन करके, पागलपन करके, मनोविकार करके, बताइए जरा। क्वेश्चन नंबर 8 का शायद मैंने जवाब भी बता दिया है आपको, अब बात को समझिएगा। अगर यहां पर ध्यान से सुनिए सवाल क्या कहा है, सवाल आपसे क्या बोला है, इसलिए इन सवालों को समझने का प्रयास करिएगा कि सामूहिक कार्यकर्ता समूह में व्यक्तियों को एकत्रित करेगा। अब ये ग्रुप है, ग्रुप वर्क में व्यक्तियों को उसने क्या किया भाई, एकत्रित कर लिया, चलो समझते चलिए प्रैक्टिस के माध्यम से, यहां पर एकत्रित कर लिया व्यक्तियों को, उनके डैश की समस्या का समाधान करेगा। तो उनकी डैश की समस्या समाधान कैसे करेगा, क्या वो भागीकरण के रूप में करेगा कि पार्टिसिपेट में वो भी भाग ले, कि वो पागलपन के माध्यम से करेगा, पागलपन का मतलब होता है एक प्रकार से अति सक्रियता के रूप में अगर कार्य करेगा तो वहां पे होगा, क्या मनोविकार के संबंध में उस प्रक्रिया को देखकर केवल मनोविकार के परिपेक्ष में उस समूह की समस्या का समाधान करेगा, या एकाकीपन के माध्यम से उस समस्या का समाधान करेगा। बिल्कुल, देखो एकाकीपन एक यूनिटी को दर्शाती है ना, एक यूनिटी को। अब एकाकीपन आप केस वर्क को लेकर ना सोचे, मैंने कहा रेमेडियल कार्य को सोचे, ये प्रश्न अप्लाइड है, ये प्रश्न अप्लाइड है, कार्यकर्ता आप हैं, आप सोचिए एक बार, आप किसी ग्रुप में जाओगे तो व्यक्तियों को एकत्र कर लोगे, अब उनकी समस्या का समाधान, ऑलरेडी आप तो इसमें भागीकरण तो है ही है, आप पार्टिसिपेट तो उन लोगों को करवा दिया है ना, अब क्या आप उन, अच्छा प्रश्न यह है कि समस्या का समाधान करना है, लोगों को हमें इकट्ठा नहीं करना है डेटा कलेक्ट करने के लिए, हमें उनकी समस्या का समाधान करना है, तो समस्या के समाधान में एकाकीपन आएगा। और अगर यही सवाल कहता आपसे कि लोगों को अधिक अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जाए तो वो उस प्रक्रिया में भागीकरण हो जाता। और अगर मान लीजिए उनकी पर्टिकुलर किसी प्रकार की अगर समस्या होती ग्रुप में, वो समस्या आपको दर्शाई जाती क्वेश्चन में, तो वो क्वेश्चन उस समस्या के आधार पे बन जाता, चाहे वो मनोविकार आप कह लो, चाहे वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर कर लो, चाहे वो COVID-19 कर लो, कुछ भी प्रॉब्लम होती तो वो आपको दर्शाती कि वो कौन सी बीमारी है जो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है। तो वो तो प्रश्न बेसिकली सी और डी तो ऐसे एलिमेंट हो गए, ए और बी आपको कंफ्यूज कर रहा था, तो यहाँ पर केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, ना कि ए करेक्ट होगा, याद रखिएगा जी।
यहाँ पर देवी तो हो सकता है ना, उसने ये भाई बोला ना मैंने क्या बोला, आप सुनते नहीं हो। मैंने आपसे कहा कि डी मनोविकार तब होता मैडम जब मैं किसी, यहाँ पे कहता कि सामूहिक कार्यकर्ता समूह में व्यक्ति जो हैं वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर से ग्रसित हैं। डैश की समस्या का समाधान कैसे करेंगे, या डैश की समस्या का समाधान, या डैश समस्या किस चीज को प्रस्तुत कर रही है, दो तीन टाइप के प्रश्न बन सकते हैं। तब आप मनोविकार लगाते हैं, तब आप मनोविकार लगाते हैं, क्योंकि प्रश्न तक कहता ना आपसे कि समस्या है, प्रश्न तो अधूरा है इस प्रश्न के लिए, ऑप्शन डी के लिए। तो सर एकाकीपन का क्या मतलब निकल रहा है इसको? एकाकीपन का मतलब होता है कि हम उसकी समस्याओं का समाधान, अगर किसी व्यक्ति का, यहाँ पर अगर मान लीजिए स्पीच वाले व्यक्ति का समस्या है, प्रॉब्लम है, इस व्यक्ति की समस्या का प्रॉब्लम, इसकी समस्या, तो क्या हमें अनसद की समस्या का समाधान करना होगा? और अगर मान लीजिए सबकी यूनिक यूनिक समस्या बन गई, तो हमें उसको एकाकीपन का मतलब व्यक्तिकरण के रूप में हमें उसकी समस्या का समाधान करना पड़ेगा, एकाकीपन। हाँ, एकाकीपन का अर्थ जो रिप्रेजेंट होता है मैम, वो दर्शाता है एक प्रकार से किसी अकेले होने की भाव को, किसी अकेले होने की भाव की। तो ग्रुप में कई प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं, हर व्यक्ति की अलग अलग समस्याएं हो सकती हैं, तो कहा कि व्यक्तियों को एकत्र करके उसके समस्या का समाधान करना एक प्रकार से एकाकीपन के रूप में कार्यकर्ता भूमिका निभा सकता है। ऑप्शन आपका सही जाएगा बी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट जाएगा, यहां पर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे, सदस्यों का समाजीकरण करना सामूहिक समाज का एक प्रमुख हिस्सा है, और यह कथन किस विद्वान का है, जरा एक बार मुझे बताइए कि सदस्यों का समाजीकरण करना सामूहिक समाज का एक हिस्सा है। फिलिप्स का होगा, बिल्कुल। देखिए यहां बेसिकली समाजीकरण की परिभाषा पूछ लिया। अच्छा, समाजीकरण की परिभाषा पूछा तो वो बेसिकली समाजीकरण की परिभाषा जो पूछा वो सामूहिक समाजकार्य का प्रमुख हिस्सा के रूप में पूछा, तो वो फिलिप्स का हुआ। लेकिन हम बात जो यहाँ पे फिलिप्स की कर रहे हैं वो पूरे समाज को बना देने की बात करता है। बात आपसे करूं, ये वही फिलिप्स हैं, वही फिलिप्सन इनको कहा जाता है, पी फिलिप्सन इनका नाम है। ये जो जरड़ के, जो जरड़ में जहां पे वृद्धावस्था की क्षीणता में इनकी एक अहम भूमिका हमें देखने को मिली थी एक किताब के रूप में, जरड़ के रूप में इनका नाम सर्वप्रथम लिया जाता है, सी पी फिलिप्स का नाम आता है, याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, समाजीकरण का मतलब सोशलाइजेशन होता है, मतलब ये वो प्रक्रिया होती है समाजीकरण जिसके माध्यम से मनुष्य समाज के विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाज, गतिविधियां इत्यादि को सीखता है, वही समाजीकरण होता है ना, इस बात को भी ध्यान रखिए। लॉन्ग लाइफ प्रोसेस ना सर, बिल्कुल लॉन्ग लाइफ प्रोसेस भी आप बोल सकते हो, बिल्कुल करेक्ट जवाब। अगला सवाल की सामूहिक अनुभव, अब देखिए ग्रुप का अनुभव है, अब आपको यहाँ पे अपने आप को रख के सोचना है, सामूहिक अनुभव, सामूहिक अनुभव सामाजिक कार्यात्मकता में वृद्धि करना सामूहिक कार्य माना जाता है या अव्यक्त है किसका? अच्छा, ये स्टेटमेंट एकदम प्रश्न पूछ लिया है, फैक्ट पर जवाब बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है फिर भी। नहीं, कोनफका, गेसल कोनफका इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, यहाँ पे गेसल कोनफका का मानना है ये। हाँ, फंक्शनल में अगर बात करते हैं तो कोनफका जी का नाम आता है, ये बात सत्य है, मैंने शायद आप लोगों को भी परिभाषा में भी रिलेट करवाया था, बताया था। सामूहिक समाजकारी में से निम्न में किसे सामूहिक समाजकारी की श्रेणी में नहीं शामिल करोगे? ग्रुप वर्क में किसको नहीं शामिल करोगे बताइए जरा। एकांतता की भावना को समाधान करना, समाज द्वारा स्वीकृति प्राप्त करना, स्वहितार्थ की भावना से सोचने के लिए प्रेरित करना, और प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास करना। बिल्कुल ऑप्शन ऑप्शन सी। अब आप देखिए, चाहे वो केस वर्क हो चाहे वो ग्रुप वर्क हो, है ना, सिराज जी हो, सिराज हो कि नहीं हो क्लास में? ओके, तो बेसिकली जब भी आपसे हम बात करें, चाहे वो केस वर्क हो चाहे वो ग्रुप वर्क हो चाहे वो कम्युनिटी वर्क हो, इनमें कभी भी स्वार्थ की भावना होती ही नहीं है, यहां तक कि एनजीओ में भी नहीं होती है। ये अलग की बात है, लोग के अंदर स्वार्थ की भावना है, ये अलग की बात है, ठीक है। किताबी लैंग्वेज में आपको नहीं बात, किताबी लैंग्वेज में आपको बात करनी है, स्वार्थ की भावनाएं यहां पर देखने को नहीं मिलती है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि सामूहिक समाजकारी के अंतर्गत किन के
बीच सामंजस्य स्थापित करना चाहिए ग्रुप वर्क में, बताइए जरा किसके बीच स्थापित, कार्यकर्ता और सेवार्थी के, कार्यकर्ता और सेवार्थी के बीच। ओके, इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आईएमपी है क्वेश्चन नंबर 12 और सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, कार्यकर्ता और सेवार्थी के बीच सामंजस्य स्थापित करना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। नेतृत्वकर्ता नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने नोट किया है, ये पेपर में आ सकता है, इसलिए ये ऑप्शन हमेशा गलत रहेंगे, है ना, हमेशा का मतलब मत समझिएगा, ये प्रश्न के पैटर्न पर बताएगा, ठीक है। सामूहिक समाजकारी के अंतर्गत दिए गए प्रमुख लक्षण है, निम्न में से कौन एक प्रजातांत्रिक मूल्यों को नहीं दर्शाता है, आपके सामने जवाब बताइए। ऑप्शन डी। ओके, एक मिनट चलिए। हाँ चलिए अब बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे अगर हम लोग बात करते हैं तो सही जवाब बेसिकली यहां पे कहता है, सामूहिक समाज कार्य के अंतर्गत दिए गए प्रमुख लक्षण में से कौन सा प्रजातांत्रिक मूल्यों को नहीं दर्शाता, प्रजातांत्रिक समान अवसर दर्शाएगा, यस या नो, स्वतंत्रता दर्शाएगा, यस या नो, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लेकिन अस्थायी रूप से निवास करने वाले के प्रति स्वतंत्रता नहीं, तो ये बेसिकली अगर क्वेश्चन नंबर मैं 13 की बात करूंगा तो मैं कहूंगा कि ऑप्शन डी का आप चुनाव करिएगा, डी आपका सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, हाँ, समूह का निर्माण 5 प्रमुख तथ्यों पर आधारित है, चलो देखते हैं, और निम्नलिखित में से वे कौन सा तत्व शामिल नहीं किए गए हैं, 5 तत्व शामिल हैं जिनमें से एक तत्व इसने बोला कि नहीं करेंगे, तो जरा बताइए वो कौन सा तत्व है जो कह रहा है नहीं शामिल है निर्माण के दौरान। सवाल समूह का निर्माण से है, है ना, समूह के निर्माण से। ओके ओके, यहां पर अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, तो बेसिकली आपका जो व्यावसायिक मूल्य है ये आपके समूह के निर्माण के तत्वों में शामिल नहीं किया गया है, शामिल किया क्या गया है, सामान्य उद्देश्य शामिल किए गए हैं, श्रम विभाजन की स्वीकृति को शामिल की गई है, और अगर हम बात करते हैं तो प्रचलित मान्यताओं की स्वीकृति की भी बारे में बातचीत की गई है, और किसके बारे में बातचीत किया गया है और बता जी, मंजूरी की स्वीकृति का विकास, हाँ, और सामाजिक प्रसिद्धि के साथ मंद। तो इन प्रतिक्रियाओं में अगर हम बात करेंगे तो यह रिप्रेजेंट करेगा, आपको बता दूं इसी में एक विद्वान का नाम आता है, वो नाम है ब्रूम, कभी कभी परीक्षा में ब्रूम से सवाल आता है, और उन्होंने एक बात कही थी, प्राथमिक समूह व्यक्ति के समाज के मध्य में एक महत्वपूर्ण कड़ी को बांधता है, तो जहां एलिमेंट या प्रमुख तत्वों के रूप में भी हमें देखने को वो चीजें मिल जाती है। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि इस प्रश्न का जवाब तो आप व्यावसायिक मूल्य को लगाइए, और व्यावसायिक मूल्य यहां पर बेसिकली जो है रिप्रेजेंट नहीं किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो जाएगा वो करेक्ट होगा, बी सॉरी सी। बताइए बड़ा अच्छा सा सवाल, जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं वैसे समूह को किस श्रेणी में रखा जाता है, तो ये आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा जी, यहाँ आपने कहा क्षेत्रीय समूह, बिल्कुल यहाँ पे भौगोलिक क्षेत्र लिख दिया और इससे हमारा स्पष्ट हो गया। अच्छा, क्या आप बताना चाहेंगे क्षेत्रीय और हितों के प्रति जागरूकता का समूह के कितने वर्गीकरण के रूप में नाम आता है, मैकाइवर एंड पेज का, कर्ट लेविन का नाम कहां से आ जाएगा इसमें, है ना, हितों के प्रति जागरूक समूह जिसका एक निश्चित संगठन होता है, निम्नलिखित में से कौन एक संगठन हितों के प्रति जागरूक समूह शामिल नहीं किया गया है, जागरूक समूह शामिल नहीं किया गया है, जरा जवाब बताइए। जी, 16 का सही जवाब जो जाएगा वो आपका क्या जाना चाहिए, परिवार, पड़ोस, शरणार्थी समूह या क्लब। देखो सवाल बेसिकली मैं आपसे बात करूं कि हितों के प्रति जागरूक समूह जिसका निश्चित संगठन होता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगठन जो हितों के प्रति जागरूक समूह के में शामिल नहीं होता है,
तो बेसिकली एक वर्ग हो जाएगा। क्या ऑप्शन में वर्ग है? नहीं। जाति क्या ऑप्शन में है? नहीं। क्या सरलार्थी ऑप्शन में है? सरलार्थी समूह ऑप्शन में है, अगर है तो फिर सही है। सामान तथा असामान रुचि वाली भीड़, तथा असामान रुचि वाली भीड़, ये जो पॉइंट्स हैं ये बेसिकली इनके प्रति समूहों में शामिल किया गया है। बेसिकली आपका सरलार्थी समूह को नहीं शामिल किया गया है, ये गलत हो गया। क्लब भी आप यहाँ पे मेंशन नोट के लिए, बाकी तो यहाँ पे ऑप्शन में लिखा ही है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। जॉर्ज हसन ने अपने वर्गीकरण को किस समूह में शामिल नहीं किया है, बताइएगा। देखिए आजकल नहीं नहीं वाला सवाल आता है, जॉर्ज हसन के बारे में बताइए जरा कि इसने कहा कि किस समूह को शामिल नहीं किया। एक तो उन्होंने असामाजिक समूह को रिलेट कराया, दूसरा आभासी समूह को रिलेट कराया, तीसरा इन्होंने जो है समाज विरोधी शब्द रिलेट कराया। समाज विरोधी नहीं दिया है क्या इस ऑप्शन में? चलो अच्छा, तीसरा भी लिख लीजिए आप लोग, समाज विरोधी को भी लिख लीजिए, है ना। फिर अगर हम बात करते हैं समानतावादी समूह के बारे में बात किया, ठीक है, उसके जिक्र हुआ, लेकिन मार्क्सवादी समूह के बारे में जिक्र नहीं किया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसने चार भागों में, समाजवादी समूह है ना, समाजवादी समूह होता है एक इसका, और एक इसका आभासी सामाजिक होता है, एक इसका समाज विरोधी होता है, एक इसका असामाजिक होता है समूह, ठीक है। इस तरीके के इसने चार भागों में डिवाइड किया है समूह का। समाजवादी और समाज विरोधी में अंतर क्या है? समाजवादी और समाज विरोधी में क्या अंतर है? दोनों अपोजिट है ना? बिल्कुल अपोजिट है, नाम से ही स्पष्ट लग रहा है, उसमें समझने की क्या बात है। समाजवादी बेसिकली पॉजिटिव शब्द है, समाज विरोधी जो शब्द होता है वो कहीं ना कहीं आपके परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा होता है, ठीक है, तो वो अलग अलग शब्द है, ठीक है। स्पष्ट है प्रश्न में, कोई डाउट है बता दीजिए, अगर हो तो पूछ लीजिए, स्पष्ट है। चलो अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, सामाजिक कार्यों में सिर्फ स्वार्थपूर्ण भावना से संलग्न समूहों को क्या कहा जाएगा, बताइए। स्वार्थपूर्ण भावना अगर है तो बिल्कुल, यहाँ बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो ये आभासी समूह या आभासी समुदाय का रूप हमें देखने को मिलता है। देखिए असामाजिक जो समूह था उसका मतलब था कि उन समूह से जो समाज का भाग होते हुए भी समाज के कार्यों में रुचि नहीं लेता है, तो उसे हम कहते हैं भैया ये असामाजिक है उसमें, जो कि वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, पहली बात। दूसरी प्रतिक्रिया में आप ध्यान रखेंगे, आभासी समूह के बारे में, समाज कार्यों में भाग केवल सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए लेता है, समाज की भलाई के लिए नहीं लेता है, तो उस प्रतिक्रिया में आभासी समुदाय कहलाता है। एक लाइन में अगर आपको लिखना चाहते हैं तो अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, आभासी समुदाय किसे कहते हैं। आभासी समुदाय, तो आभासी समुदाय किसे कहते हैं सामाजिक कार्यों में? भाग केवल सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए लेता है, समाज की भलाई के लिए नहीं, समाज की भलाई के लिए नहीं, ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। चलिए अब देखिए फिर अगला सवाल हमारे सामने आता है, ये देखिए क्या फिर से पीडीएफ पीपीटी दिखाऊं, हाँ क्या कह रहे हो, समाज कार्यों में भाग लेने के लिए सिर्फ केवल स्वार्थ के लिए लेता है वो, समाज की भलाई के लिए नहीं लेता है, तो इसमें क्या बताऊं एग्जांपल क्या? अरे एग्जांपल आप अपने के लिए सोच लीजिए कि अगर आप मान लीजिए कोई समुदाय से जुड़े हैं, हाँ अगर आप किसी समुदाय से जुड़े हुए हैं, है ना, और उस समुदाय में आप सोचते हैं कि केवल मेरा भला हो और मेरा भला हो और किसी का भला ना हो, तो अपने भला के चक्कर में, अपने स्वार्थ के चक्कर में उस प्रतिक्रिया में आपको रिप्रेजेंट करवाया जाएगा कि आभासी समुदाय। ऐसे लोग, ऐसे समुदाय को भी आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी, अगर हम बात करें समुदाय क्या, हम एक छोटा सा एग्जाम्पल और देना चाहते हैं आप लोगों को, आप किसी एनजीओ वगैरह में अगर काम कर रहे हैं या किसी और जगह पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे एम्प्लॉय के देखो वो कहने की बात होती है कि इक्वलिटी होती है कि इक्वलिटी होती नहीं है,
लोग अपना अपना सिर्फ स्वार्थ या अपने स्वार्थ के लिए वो काम करते हैं, ठीक है, अपनी भलाई के लिए काम करते हैं ना। अब आप आजकल अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा हो गया है, अभी पहले ये सब नहीं हुआ करता था, है ना। अब आजकल जो है एनजीओ वगैरह हो या किसी भी संस्था की बात करें तो ये सब ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। उसी तरीके से समुदाय की भी बात होती है ना, उसी तरीके से आभासी समुदाय की भी बात होती है, ठीक है। और जो समाज विरोधी होता है वो हमेशा समूह के विरोध में ही इस कार्य करेगा। राजनीतिक बंद के दौरान, किसी आयोजन के दौरान, या कोई समूह सड़कों पर आग जो है आग लगाता है या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है ना, तो ऐसे में हम समाज विरोधी शब्द को रिलेट कराते हैं, है ना। तो ये सब शब्द जो है यूज में लाए जाते हैं, ठीक है। स्पष्ट हो गया है तो बताइए अगला सवाल पे हम लोग जिक्र करना चाहेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 पर। समरण्य समूह को एक वर्गीकरण का मुख्य आधार बनाया था समनर ने, बताइए जरा किसको आधार बनाया था समनर ने? अच्छा, आप यहाँ पे कहना चाहेंगे कि घनिष्ठता और सामाजिक दूरी, सामाजिक दूरी का मापन किसने दिया है? बोगार्स ने दिया। घनिष्ठता आपने यहाँ पे जो शब्द रिलेट कराया है वो समनर शब्द से आ जाता है, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। इनकी एक किताब आई थी सन 1905 में, उस किताब का नाम था जनरीति। जनरीति को फोकवेस के नाम से भी जाना जाता है। समनर का समूह का वर्गीकरण अगर हम बात करते हैं तो परीक्षाओं में हमें देखने को मिलता भी है समनर के बारे में, है कि नहीं, आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, है ना। तो बेसिकली उनका जो अंतर इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप, एक अंतः समूह होता है और एक आपका बाह्य समूह होता है समंदर का, है ना। बहुत फेमस रहा है इनका समंदर महोदय का, और परीक्षाओं में कई बार जो है ये पूछा भी जा चुका है। मैं इनके बारे में थोड़ी सी बात बताना चाहूँगा कि जब हम बात करते हैं अंतः समूह के बारे में तो वहाँ जैसे हमारा गांव है, हमारा समुदाय है, हमारा समाज है, हमारा परिवार है, ऐसे शब्दों को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे परिवार को या ऐसे शब्द रिलेट कराता जहां सामाजिक समूह कार्य में कल्याण की दृष्टि से या भावना की दृष्टि से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। वाह्य समूह में बेसिकली वे शब्द रिलेट होते हैं, है ना, समूहों में वे या अन्य शब्दों का उपयोग किया जाता है। वाह्य समूह में पाए जाने वाले जो गुण होते हैं वो अंतः समूह के विपरीत होते हैं, तो ऐसी भावनाएं जो बेसिकली व्यक्ति इसे दूसरे का समूह मानता है, अपना समूह नहीं मानता है, तो सहानुभूत हो गया, स्नेह हो गया, है ना, ये जो इन अभाव, इन सब का अभाव पाया जाता है, तो उसको बाहरी समूह का हम नाम देते हैं। तो उसी में इन्होंने घनिष्ठता शब्द को रिलेट कराया और बेसिकली ये अंतः समूह का ही परिभाषा के अंतर्गत लिया है। घनिष्ठता अंतः समूह में, वाह्य समूह में नहीं होता है समंदर का, अंतः समूह में ही होता है, ये शब्द अंतः समूह में मिलेगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, सामूहिक समाज कार्य के वाह्य समूह के वे गुण बताइए जो डैश के विपरीत हो, असामाजिक समूह, अंतः समूह या समाजवादी या आभासी समूह। बिल्कुल, मैंने अभी अभी बताया ये विपरीत है और वो विपरीत है अंतः समूह का, ठीक है। आसान सा सवाल था। मिलर का नाम सुना होगा आप सभी लोगों ने, इन्होंने एक समूह का वर्गीकरण किया है, एक नाम आपका आता है हॉरिजॉन्टल और एक नाम आपका आता है वर्टिकल, है ना, याद आप लोगों को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर जो सी है, ये बेसिकली ऑप्शन नंबर सी उदग्र एवं क्षैतिज समूह को रिप्रेजेंट करता है और यही ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही आसान सा है, इसमें कुछ है नहीं, फिर भी आप एक चीज को इसको ध्यान से सुन लीजिए कि किस तरीके से मिलर ने एक को समजातीय समूह के रूप में रखा और एक को विषम जातीय समूह के रूप में प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो हर्बर्ट मिलर ने सामाजिक दूरी के आधार पर इसको दो भागों में डिवाइड किया था, ठीक है। सामाजिक दूरी की भावना जब समूह के खंडों में उच्च और निम्न स्तरण पाए जा रहे हों, जहां जाति वर्ण पाया जा रहा हो, जहां धार्मिक समूह और धार्मिक समूह के अंतर्गत उच्च निम्न प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित सभी प्रकार के सदस्य पाए जा रहे हों, तो ऐसे समूह के सदस्यों को स्वयं कई आधारों के रूप में स्तरों पर हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, तो उसको हम विषम बोलते हैं। विपरीत के रूप में काम करता है तो उसको हम विषम बोलते हैं। एक सम होता है जहां लगभग समान सामाजिक आर्थिक स्तर पाए जाते हैं, जहां समूह के सभी सदस्य लगभग
समान स्थिति के रूप में होते हैं। समूहों में जो खास विशेषता होती है वो घनिष्ठता होती है, जैसे शिक्षक संघ हो गया, ट्रेड यूनियन हो गया, उन परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करते हैं तब हमें देखने को मिलता है सम जाति। तो विषम जाति सम जाति को भी नाम दिया जाता है। एक उसी में वर्टिकल एवं हॉरिजेंटल ग्रुप है ना, कौन से ग्रुप, हॉरिजेंटल ग्रुप एंड वर्टिकल ग्रुप देखने को मिलता है। आपने नाम सुना जिसी को मैंने अभी अभी आप लोगों से रिप्रेजेंट भी किया कि एक जो हॉरिजेंटल होता है उदग्र होता है, जो वर्टिकल होता है वो क्षैतिज होता है। ठीक है, वही प्रतिक्रिया यहां पर देखने को मिलती है। उदग्र विषम जाति होता है, क्षैतिज सम जातीय समूह होता है। नाम वही है, एफ्टोनिज का नाम ही से रिलेट कराता है। एफ्टोनिज जैसा ही इसका भी परीक्षा में सवाल पूछा जा सकता है आप लोगों से, है ना। ठीक है, चलिए हॉरिजॉन्टल आपका नोट करना है, नोट कर लो यहाँ पे स्पष्ट हो जाए ताकि आपको सारी चीजें ये भी है ना। मिलर, हर्बर्ट मिलर, इन्होंने बेसिकली एक विषम जाति बोला, विषम जाति कह लिए या विषम स्तरी कह लीजिए, है ना। ये बेसिकली आपका क्या कहलाता है, वर्टिकल कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्टिकल ग्रुप का। और एक आता है आपका समस्तरी, समस्तरी ये आपका क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल कहलाता है, हॉरिजॉन्टल कहलाता है। ठीक है, यह शब्द जो है आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। क्लियर रहेगा, जी उदग्र को आप कहेंगे जो है समजाति और विषम को क्षैतिज। अगर हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल का अर्थ, है ना, आपने सुना भी होगा हॉरिजॉन्टल शब्द कई बार पेपर में भी आता है और जगहों पर भी हमने देखा होगा हॉरिजॉन्टल का। तो हॉरिजॉन्टल जो होता है वो क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज होता है, हॉरिजॉन्टल जो होता है क्षैतिज होता है, और जो उदग्र होता है, उदग्र, उदग्र जो होता है वो बेसिकली आपका विषम जाति होता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, है ना, इसको आप जरूर नोट करें क्योंकि शब्दों में बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, इसको आप अपने कॉपी पर अवश्य नोट करें, है ना, दोनों इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ें, क्षैतिज समूह के अंतर्गत ऐसे समूह आते हैं जिसने सामाजिक जो है डैश महजूद होता है। बताइए क्या महजूद होता है इसमें, अभी अभी आप लोगों ने जिक्र भी किया, मैंने बताया भी आप लोगों को, सही जवाब ऑप्शन नंबर ए समानता। कूले ने समूह का वर्गीकरण किया है, जैसे कि आपको पता होगा प्रारंभिक समूह किसे शामिल किया है, प्रारंभिक समूह में किसी को शामिल नहीं किया है, विद्यालय, पड़ोस को शामिल नहीं किया है, परिवार, क्रीडा, विद्यालय को शामिल किया है इसमें, है ना, प्रारंभिक समूह में। हाँ, पड़ोस को तो द्वितीयक में किया है, प्राथमिक, जी क्या कह रहे हो, विद्यालय को पड़ोस को किया है प्राथमिक समूह में शामिल, विद्यालय को नहीं किया। हाँ, क्या बात है भाई, क्या ये बात, विद्यालय, ये पड़ोस और परिवार और समूह सब आएगा, परिवार विद्यालय से पड़ोस का विद्यालय नहीं है। ओके, इसने शामिल किया है प्राथमिक समूह के अंतर्गत, अगर हम जिक्र करते हैं तो किन किन चीजों को शामिल किया है इसने, परिवार, किड्रा समूह और पड़ोस को, yes, पड़ोस को शामिल किया है, yes, ठीक है, परिवार, ठीक है, आपका सही जवाब आया है,
पड़ोस को नहीं किया, पड़ोस विद्यालय को नहीं किया है। एक जी मिनट, सर। ये थोड़ा सा हैंग कर रहा है। सही जवाब अगर हम बात करते हैं आप लोगों से, तो इस सवाल का जो जवाब होगा वो बेसिकली आपका परिवार, पड़ोस और क्रीड़ा को किया है, विद्यालय को नहीं किया है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। प्राथमिक समूह में निम्न में से किसका प्रमुख केंद्र माना है जो एक लघु समूह के समान होता है, इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? सामाजिक संगठन का, सामाजिक संगठन का जिसके सदस्य, और फिर उसके बाद देख सकते हैं क्लब है, क्रीड़ा है, फिर परिवार संगठन है। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे सामने दिया गया है, इसका सही जवाब सामाजिक संगठन का होना चाहिए, उचित जवाब ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट माना जाएगा। प्राथमिक समूह जो है छोटा समूह माना जाता है जिसमें सदस्यों की संख्या सीमित कर दी गई है ना, प्राथमिक समूह में सामाजिक संगठनों का केंद्र माना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका पहला ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। कूले महोदय ने अपनी एक कृति लिखी, एक किताब लिखी, जो द्वितीयक समूह का उल्लेख उसमें हमें देखने को मिलता है, तो कृति में द्वितीयक समूह का उल्लेख किया है किसने, तो वो बेसिकली क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर संगठन। और कब ये किताब आई थी, सन 1909 में आई थी ना, तो क्वेश्चन नंबर 25 का ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल जी, सामाजिक संगठन में तो प्रथम समूह का करा था और प्रारंभिक समाजशास्त्र में द्वितीयक समूह का। अपनी कृति, ये दूसरी कृति थोड़ी ने लिखा है, लेकिन इसने कहा कि कूले ने अपनी किस कृति में द्वितीयक समूह का उल्लेख किया है, तो प्रारंभिक समाजशास्त्र में उल्लेख किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सही जाएगा बी वाला में। ये देखो इसमें आपका द्वितीयक समूह का उल्लेख मिलेगा, ठीक है, और सोशल ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा उल्लेख मिलेगा, प्राथमिक समूह का, ठीक है, याद रखिएगा इसमें प्राथमिक समूह है, इसमें द्वितीयक समूह। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो जाएगा वो बी आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। ठीक है ना। गेसल सॉफ्ट और गेमैन सॉफ्ट की अवधारणा सर्वप्रथम सन सॉरी किसने प्रतिपादित किया है, एफ टोनी और नाम, यस बताइए, ईयर्स 1887 में। डैश की भावना ऐसी अभिव्यक्त है जो यह दर्शाती है कि समूह के प्रति सदस्यों में कितनी निष्ठा, लगाव और सहानुभूति, बताइए, अहम है, मैं है, अहम है, हम की भावना, ऑप्शन नंबर डी। प्राथमिक समूह में तीन चार से लेकर 50-60 व्यक्ति तक, तीन चार से लेकर 50-60 व्यक्ति तक हो सकते हैं। अच्छा भाई, चलो ठीक है, किसने बोला ये बात, चाइल्ड ने सन, सॉरी अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 का, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, फेयर चाइल्ड ने। ठीक है ठीक है ठीक है, डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29, प्राथमिक समूह में व्यक्तियों में सहिष्णुता, दया, प्रेम, उदारता की मनोवृत्ति जन्म लेती है, यह कथन किस विद्वान का है, क्वेश्चन नंबर 29। लैंडिस, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। 30, व्यक्ति और समाज के मध्य मजबूत कड़ी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बताइए कौन, प्राथमिक समूह, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। वह समूह घनिष्ठता के अभाव वाले अनुभवों को प्रदान करते हैं, उसे द्वितीयक समूह कहा जाता है, डैश या बताइए विद्वान किसका है, अकबर एवं निमकाव। निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक समूह की विशेषता नहीं है, देखिए भाई द्वितीयक समूह की विशेषता नहीं है, ये प्राथमिक समूह का पार्ट है, इसलिए आप सही कहोगे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। डगलस के अनुसार समूह निर्माण के पांच स्तर हैं, तो पहला चरण का नाम आपको बताना है जी, ओके, संप्रत्ययीकरण पहला चरण हो गया, आप लोगों को मैंने नोट करवाया है। दूसरा फिर क्या है, सृजन है, तीसरा संचालन, चौथा समापन, पांचवा मूल्यांकन। ठीक है, सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। माता पिता और संतान किस समूह के भाग बने होते हैं, बताइए, बड़ा अच्छा सवाल है, बिल्कुल सही, प्राथमिक समूह, बिल्कुल।
लेखक और पाठक, मैंने ये भी पढ़ाया था आपको, बताइए निम्नलिखित में से किस समूह का हिस्सा माने जाते हैं? बिल्कुल, सामूहिक समाज कार्य में समूह की भूमिका मुख्य रूप से किस रूप में हो सकती है? क्वेश्चन नंबर 36, माध्यम के रूप में होता है। बिल्कुल सही बात, सामूहिक समाज कार्य के माध्यम से व्यक्ति की आंतरिक क्षमता की डैश की जाती है, निर्मुक्तिकरण। निर्मुक्तिकरण क्या होता है जानते हैं? निर्मुक्तिकरण किस चीज को रिप्रेजेंट करता है बताइए? सवाल हमारे सामने, आपके सामने दर्शाया गया है निर्मुक्तिकरण, व्यक्ति की आंतरिक क्षमताओं को निर्मुक्तिकरण। ओके, और कोई व्यक्ति? है ना, और कोई व्यक्ति बताएं जरा, निर्मुक्तिकरण क्या होता है? ओके, देखिए जैसे अगर हमने बात किया किसी चीज की यहाँ पे कि सामूहिक समाज कार्य के माध्यम से व्यक्ति की आंतरिक क्षमताओं का निर्मुक्तिकरण करना होता है, जैसे आपने अभी भी बताया ना कि स्वार्थ का भाव, स्वार्थ का जहां पर अभाव वाली प्रक्रिया आए, स्वयं के हितों के अभाव की प्रक्रिया आए, वो निर्मुक्तिकरण होता है, वही निर्मुक्तिकरण होता है। एक शब्द आप देख रहे हैं उन्मोचन, उन्मोचन का तात्पर्य होता है जब आरोपी के विरुद्ध में प्रथम दृष्टि से कोई मामला नहीं बनता है, तब न्यायालय उसे आरोपी को उन्मोचन कर देता है, और उन्मोचन के बाद आरोपी निर्दोष नहीं माना जा सकता। ठीक है, तो उन्मोचन के बाद आरोपी के खिलाफ पुनः न्यायिक कार्यवाही और जांच जो प्रारंभ होती है, उस प्रक्रिया में उन्मोचन शब्द रिलेट होता है। उन, ये कानूनी भाषा है उन्मोचन शब्द, है ना, उन्मोचन शब्द। और एक शब्द आता है विनुमोचन शब्द, है ना। ये शब्द में अगर हम बात करते हैं तो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? वीन विन मोचन शब्द, बताए? क्या शब्द रिलेट होगा यहां पे? छुड़ाना जी, बाहर निकालना, है ना, एक प्रकार से बाहर निकालना रिप्रेजेंट करता है ये शब्द। ठीक है, और एक शब्द आता है निमुक्तिकरण, बड़ा आसान सा शब्द है, ही तो पता होगा सबको, निमुक्तिकरण। बताइए, प्रबंध कार्य में आता है, मैनेजमेंट कार्य में आता है। ये बेसिकली क्या काम करता है? जो एक संगठन में अनेक प्रबंध और गैर प्रबंध की क्रियाएं होती हैं, जहां मानव शक्ति की आवश्यकताओं का निर्धारण होता है, मानव शक्ति की आवश्यकताओं का निर्धारण होता है, उसे विमुक्तिकरण कहते हैं। ऑप्शन सही जाएगा आपका यहाँ पर, ये वाला। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखिए आप सभी लोग, और कल हम लोग इसी के आगे, कल और आपकी प्रैक्टिस होगी, फिर परसों से मैं जो है आप सबकी क्लासेस स्टार्ट करूंगा यूनिट नंबर 6, और यूनिट नंबर फिफ्थ होगा, और जो 6 चलेगा आपका वो आपकी आफ्टरनून वाली क्लास में चलेगा। ठीक है, तो ये यूनिट नंबर 5 यानी रिसर्च चलने वाला है, रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये क्लास चलेगी आपकी परसों से, कल नहीं परसों से। ठीक है।